है एवरीवन, आई होप यू आर होल्डिंग गुड। तो चलिए आज फिर से क्रिएट करते हैं एक और बैकहैंड मेहंदी डिज़ाइन, फ्लोरल बैकहैंड मेहंदी डिज़ाइन। सो इसके लिए यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर जो हमने फीट मेहंदी की डिज़ाइन में ऑलरेडी यूज़ किया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में हम इसे यूज़ करेंगे। सो एज़ यू कैन सी कि मैंने यहाँ इस तरीके से अनइवन सर्कल्स को क्रिएट किया है, देन मैं पेटल्स का यहाँ पर शेप क्रिएट कर रही हूँ। पेटल के शेप क्रिएट करने के बाद बेसिकली अब हम एक बंच क्रिएट करने वाले हैं। सो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ हमारे ब्यूटीफुल हम्स। सो यहाँ पे दो हम्स मैंने क्रिएट किया और सेंटर से मैंने एज इट इज़ हमारी लीव्स की विंग्स को क्रिएट किया है। एजेस को कर देंगे बोल्ड और अब हम हमारे बोल्ड वाले फ्लावर को भी क्रिएट करेंगे। जब आप किसी भी डिज़ाइन को प्रैक्टिस करते हो तो मेक श्योर करेगा कि आप अपनी मर्जी से ही पंच को क्रिएट करें, बस पैटर्न को आप चेंज ना करें। एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से पेटल्स में बॉर्डर लाइन को भी क्रिएट कर दिया है, देन अगेन मैं सर्कल वाले हम्स को कर रही हूँ क्रिएट, देन यहाँ पर मैंने हमारे लीव्स को कम्प्लीट किया। एक और राउंड शेप लिया है मैंने यहाँ पर बोल्ड करके, मैंने उसे एक थिन लाइन के साथ हम्स क्रिएट किया है। एंड हम्स के क्रिएट हो जाने के बाद अगेन मैं ज्यूसी लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। ज्यूसी लीव्स और डांसिंग लीव्स का डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। एज यू कैन सी कि मैंने ये क्रिएट कर दिया है और हमारे और नए एलिमेंट्स को भी यहाँ पर थोड़े से एड ऑन कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से लाइंस और हम्स बोल्ड लाइंस के साथ हम एक सेपरेट एरिया क्रिएट करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से हम्स को क्रिएट करके नीचे बॉर्डर लाइन को भी कर दिया है क्रिएट। बॉर्डर लाइन के बाद अगेन एक हम्स क्रिएट करेंगे, देन ऊपर की तरफ हम वापस से लीव्स की विंग्स को क्रिएट करेंगे। नॉर्मल लीव्स की विंग्स है ये और शेडिंग करेंगे। अब हम लीव्स के पेटल में इस तरीके से शेप को क्रिएट कर रहे हैं। एज यू कैन सी ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देगा और बची हुई जगह पे हम इसे बोल्ड कर देंगे। सो हमारा फ्लावर यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे दो बड़े वाले लीव्स को क्रिएट करेंगे। जस्ट बिकॉज हमारा फ्लावर बोल्ड है इसीलिए हम यहाँ लीव्स में शेडिंग करेंगे थिन लाइन्स की। हमेशा अपने माइंड में याद रखना, आप लाइट और बोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगी। हमारे लीव्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स मैंने अगेन हमारे बंच में ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से लाइन को क्रिएट करके मैं सिंपल से बंच को क्रिएट कर रही हूँ। बिकॉज हम ये ब्यूटीफुल इजी मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से हमारे फेवरेट वाले चेक्सिस को क्रिएट कर रही हूँ। डिज़ाइनर मेहंदी में ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर अगेन मैंने बोल्ड लाइन और थिन लाइन को क्रिएट करके एक हम्स की लाइन को कर दिया है क्रिएट, और एक और हमने हमारे लीव्स को एक्सटेंड किया हुआ है। लीव्स को कंप्लीट करने के बाद अगेन हम यहाँ इस तरीके से छोटे वाले सर्कल्स ऐड कर रहे हैं। एज यू कैन सी सर्कल के ऐड होने के बाद हम अगेन हमारे बंच को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। बंच के एक्सटेंड करने में हमने लीव्स को भी ऐड किया है, एंड देन हमने उससे पहले यहाँ पर हमारे स्पाइरल्स को भी ऐड किया है। हमारे ओल्ड टाइम फेवरेट वेवी लीव्स है ये, बहुत ही ज़्यादा एट्रेक्टिव नज़र आते हैं। जिस वेरिएशन में भी आप क्रिएट करना चाहो उस वेरिएशन में कर सकते हो। अगेन एक ज्यूसी लीव्स को भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। मैंने मेरी क्लासेस की वीडियोस में ये सारे लीव्स को बहुत ही डिटेल में आपको सिखाया है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो मेरे क्लासेस के वीडियोस ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और डिटेल में मैंने अपने क्लासेस के वीडियोस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो ज़रूर सीखिएगा। आप घर बैठे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एट्रैक्टिव मेहंदी बनाना सीख जाओगे। अब यह पाम की तरफ मैंने हमारा रोज़ फ्लावर क्रिएट किया है, जो रोज़ फ्लावर सभी को बहुत पसंद है और बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप इसकी डिज़ाइंस क्रिएट करें। सो मैंने यहाँ पे वही रोज़ फ्लावर को क्रिएट किया हुआ है। रोज़ फ्लावर के क्रिएट हो जाने के बाद अब हम अगेन हमारे यहाँ बंच को क्रिएट करेंगे। हमेशा बोलती हूँ कि बंच अपनी मर्ज़ी से आप क्रिएट करिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। अगर नहीं हो पाता तो पहले आप ये वाले बंच को क्रिएट कर ले सेपरेटली, देन आप अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट्स को चेंज कर आप बंच को क्रिएट करें। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में, क्लासेस की वीडियोस में, आप एक बंच से
अदर बंचेस, नए बंचेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं सेम एलिमेंट्स के साथ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने क्लासेस में आपके साथ शेयर की है, ताकि आपको जल्द से जल्द खुद से मेहंदी लगाना सीख जाओ आप लोग। सो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक बार आपको प्रैक्टिस करने पर समझ ना आए तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर मेरे वो क्लासेस के वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। एज यू कैन सी के मैंने कुछ नए एलिमेंट्स को ऐड किया है और बंच को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ऊपर की तरफ, इस तरीके से थोड़ी सी शेडिंग कर दी है मैंने, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि शेडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे डिज़ाइन में मैं उसे हमेशा यूज़ करती ही हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई लव इट। एज यू कैन सी के हमने हमारे बंच को ऊपर की तरफ लाइंस को क्रिएट करते हुए हमने अटैच कर दिया है, और अब हम उस लाइंस को थोड़ा सा ड्राई आउट होने देंगे, बिकॉज हमें उसमें डॉट्स क्रिएट करके चेक्स को क्रिएट करना है, दैट्स वाई। और अगेन हम यहाँ पे हमारा जूसी लीव्स का बंच क्रिएट करेंगे थोड़ा सा, लेकिन हम यहाँ पे जूसी लीव्स का बंच क्रिएट करने वाले हैं, छोटी साइज में क्रिएट करेंगे गाइज। एज यू कैन सी कि हम किस वेरिएशन में इसे क्रिएट कर रहे हैं, हम इसे लास्ट फिंगर की तरफ ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, देन इस तरीके से बॉर्डर लाइन के साथ लाइंस देते हुए हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस एज यू कैन सी के ऊपर की तरफ मैंने इस तरीके से हमारे डॉट्स को क्रिएट कर दिया है, एंड अगेन मैंने एक हाफ फ्लावर यहाँ पर क्रिएट किया है, और हाफ फ्लावर के साथ मैंने इस तरीके से हमारे बोल्ड एलिमेंट्स को भी कुछ यूज़ किए हुए। देन हमने हमारे चेक्स को कंप्लीट किया, और अब हम हमारे फ्लावर्स को भी इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे बोल्डनेस के साथ। मिडल फिंगर में हम इस तरीके से लाइंस के साथ हमारे डिज़ाइन को और एक्सटेंड करेंगे और फिंगर्स को कर देंगे कंप्लीट। देन हम सेकेंड लास्ट फिंगर पर भी हमारा डांसिंग लीव्स का बंच थोड़ा सा और आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, देन अगेन हम इस तरीके से लाइंस को क्रिएट करते हुए हमारे डिज़ाइन में बॉर्डर लाइन और अदर एलिमेंट्स के साथ हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अब हम थंब की साइड पर हमारे डिज़ाइन को थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं हमारे एलिमेंट्स के साथ। फर्स्ट फिंगर की तरफ भी हमने इस तरीके से हमारे डिज़ाइन को बॉर्डर लाइन के साथ कंप्लीट कर दी। हमेशा बोलती हूँ मैं आपसे कि आप फिंगर की डिज़ाइन अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। हमारे डिज़ाइन पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ्लावर और डिज़ाइन कैसी लगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।